बिशुनपुरा नहर पर पुलिस की मुठभेड़ में पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, एक पिकअप, दो तमंचा, छुरा व गोली बरामद, तस्कर गिरफ्तार। कुशीनगर जनपद के खट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम बिशुनपुरा नहर पर शनिवार की आधी रात पुलिस व पशु तस्करों की हुई मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल पशु तस्कर के पास से एक पिकअप, दो तमंचा, छुरा व गोली बरामद कर उसे अपनी देखरेख में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार पशु तस्कर के विरुद्ध कुशीनगर, गोरखपुर में एक दर्जन पशु क्रूरता आर्म्स एक्ट सहित गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इंस्पेक्टर अमित शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मुख्य पश्चिमी बड़ी गंडक नहर की तरफ पशु तस्करों की खोज में निकले थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक पशु तस्कर बिशुनपुरा नहर के रास्ते पशु लाने जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बिशुनपुरा नहर की तरफ पहुंचे, घेराबंदी कर पिकअप को रोका, जहां पशु तस्कर पुलिस के देख गाड़ी लेकर भागने लगा। लेकिन पुलिस कटीला पट्टा फेंक गाड़ी को पंचर कर दिया तो गाड़ी आगे जाकर रुक गई। पशु तस्कर पुलिस पर असलाहा से फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। उसके पास से 315 बोर तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस सहित 1 बड़ा व 2 छोटा छुरा बरामद किया। पकड़े गए पशु तस्कर की पहचान पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेखा टोलिया जंगल बनवीरपुर हनुमानगंज निवासी खुर्शेद पुत्र मीर हसन के तौर पर हुई। इस नामी पशु तस्कर के विरुद्ध कुबेर स्थान पड़रौना गोरखपुर में एक दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गोली से घायल पशु तस्कर को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया है।